दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। मनुष्य के जीवन में चार दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। कहीं उसी में से आपका एकाध दुर्भाग्य तो नहीं, चेक कर लीजिए, और यदि हो तो उस दुर्भाग्य के लिए प्रायश्चित कर्म करिए, क्योंकि आप पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए होंगे तो निश्चित तौर से कोई न कोई दुर्भाग्य आपकी जिंदगी में अवश्य होगा। तो दुर्भाग्य का मतलब है मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए या किए गए कर्मों के फल स्वरूप दुर्भाग्य का जन्म होता है। दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य को अपना जीवन चलाना मुश्किल पड़ जाता है, उसका विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाए तो संतान सुख में बाधा आती है, वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाती है, अलगाव हो जाता है, कर्जे का बोझ जो है कंधों पर हो जाता है, और कई प्रकार के कष्ट सहना पड़ते हैं। यह दुर्भाग्य होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने चार प्रकार से दुर्भाग्य बताया गया है। पहला दुर्भाग्य है शारीरिक हीनता, यह मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा की भावना उत्पन्न हो जाना, यानी आप जिंदगी से हताश हो गए हो। किस वजह से? मानसिक दुर्बलता यानी मानसिक पागलपन होने की वजह से, या दिमाग काम नहीं करने की वजह से, या शरीर काम नहीं करने की वजह से। तीनों चीज हो सकती है कि शरीर भी काम नहीं कर रहा हो, मन भी काम नहीं कर रहा हो, तो शारीरिक हीनता आ जाती है, तो उसमें भी इसे भी दुर्भाग्य कहते हैं। मतलब अपने जीते जी अपने जीवित शरीर का बोझ ढोते हुए शीघ्रता शीघ्र मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, उसे दुर्भाग्य कहते हैं। और दूसरा दुर्भाग्य होता है कम कठोर परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परंतु फल नहीं मिल रहा है, हम धन के लिए तरस रहे हो, तो उसे दूसरा दुर्भाग्य कहा जाता है। बहुत से मनुष्य हैं जिनका भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ाई भी बहुत करते हैं, पर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है पर फल कम प्राप्त होता है, धन के लिए मोहताज होना पड़ता है, तरसना पड़ता है, तो उसे भी दुर्भाग्य कहते हैं। और तीसरा दुर्भाग्य होता है कलह प्रिय पत्नी मिल जाना, कुलक्षणी पत्नी मिल जाना, या कलह प्रिय पति मिल जाना, और चरित्रहीन पति मिल जाना, यह भी तीसरा दुर्भाग्य होता है। और चौथा दुर्भाग्य होता है संतान के द्वारा कष्ट दिया जाना, या संतान उत्पन्न ही नहीं होना, या संतान का आपके साथ में शत्रुव्रत व्यवहार करना, यह सब चौथा दुर्भाग्य कहलाता है। तो व्यक्ति को जब भी दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाए तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वेद के पास जाना चाहिए, हकीमों के पास जाना चाहिए, ज्योतिषाचार्य लोगों के पास जाना चाहिए, तांत्रिक लोगों के पास जाना चाहिए, और इसका युक्ति संगत प्रामाणिक
प्रयास बार बार करना चाहिए। एक बार के प्रयास से दुर्भाग्य नहीं जाता है। जिस प्रकार हम एक पत्थर के ऊपर बार बार पानी की बूंद गिराते रहते हैं, गिरती रहती है तो पत्थर टूट जाता, उसमें भी छेद हो जाता है, उसी प्रकार जब हम बार बार प्रयास करते रहेंगे तो दुर्भाग्य जो है हमारे सौभाग्य में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य को दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य जो है पिछले जन्म के सांप का श्राप, पिता का श्राप, भाई का श्राप, ब्रह्म श्राप, इन्हीं श्रापों में से कोई न कोई श्राप जो है वह इस कुंडली में होता है, जिसकी वजह से दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। तो धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य भी कभी कभी फलदायी नहीं होते हैं, क्योंकि वो पूजा तो कराता पर पूजा नहीं लगती, क्योंकि पूजा सही पूजा नहीं कराता है, गलत पूजा करा देता है। जिसकी पूजा कराना चाहिए वो पूजा नहीं कराता है, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के ऊपर जाना पड़ता है। तो अतः मनुष्य को इन चारों दुर्भाग्य से बचने के लिए, इन चारों दुर्भाग्य से बचने के लिए मनुष्य को ज्योतिष से संबंधित उपाय करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए और दान देना चाहिए। विशेष तौर से दान का इसमें बताया गया है। और इन चारों दुर्भाग्य को काटने के लिए और गहराई में जाकर के देखना चाहिए कि कहीं पर कोई काल सर्प योग तो नहीं है, प्रेत का श्राप या पितर का श्राप तो नहीं है, यह भी अवश्य एक बार चेक कर ले, तब जाकर के उसको सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में चार दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं। इन चारों दुर्भाग्य को पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से काटा जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं काटा जा सकता है, काट सकते हैं, परंतु आपको बार बार इसकी पूजा पाठ कराना होगी और पेशेंस रखना होगा, तब जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, और माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में कोई भी दुर्भाग्य उत्पन्न न हो, फिर भी आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार यदि कोई दुर्भाग्य है तो उस दुर्भाग्य को आपको अच्छा व्यक्ति मिले जो उस दुर्भाग्य की पूजा पाठ करा करके आपको सुख दे सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।